राइट्स की बात तो करते हैं और आज तक हम लोगों ने कभी भी ना लॉयर्स राइट्स की बात नहीं की। लॉयर्स हमारे माशरे के वो तबका है कि जो इंसानों को उनके हकूक लेके देता है, यानी कि हम ह्यूमन राइट्स लेकर देते हैं। और अगर हमें हमारे ही राइट्स नहीं मिलेंगे तो हम कैसे किसी व्यक्ति के राइट्स लेके देंगे। इस तरह से लॉयर्स ने मुल्क की बुनियादों को रखा, पाकिस्तान को बनाने वाले कायदे आजम नकवी जी का वो खुद एक लॉयर थे। इसके बाद लॉयर्स ने हर जो भी तहरीक चलाई उसको कामयाब किया, बड़े से बड़े मसले मसाइल को लॉयर्स ने हल करवाया। आज जो कुछ हो रहा है हमारी कम्युनिटी के साथ, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। लॉयर्स ने हर मसले मसाइल में मुल्क का साथ दिया, जुडिशरी का साथ दिया, अवाम का साथ दिया, सियासतदानों का साथ दिया। लेकिन आज इस मुश्किल वक्त में कौन है जो हमारे साथ आके खड़ा हो रहा है? अगर हम लोग भी अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? मैं आप लोगों से आज ये सवाल करती हूँ कि अगर हम अपने घर को नहीं बचाएंगे तो हम बाहर जाके किसको बचाएंगे? फिर जिस तरह से लॉयर्स के मर्डर्स हो रहे हैं, उन पर जुल्म सितम हो रहा है, उन पर तशद्दुद हो रहा है, इवन अब रेप केसेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर हमने इस टाइम में जो है मुत्तफिक नहीं होना, इकट्ठा नहीं होना, तो फिर हम इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि हम इस सूरत हाल में शाना बशाना अपने लॉयर्स के साथ चलेंगे, उनके साथ होने वाले जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और देखें, हमने कि इनको सजा दिलवानी है। अगर आज इन लोगों को सजा ना मिली, ये जो चीज है ये बहुत आगे तक चली जाएगी और हम में से किसी की जानो माल इज्जत महफूज नहीं रहेगा। ये हम सब ने मिलकर साथ चलना है और इस जुल्म सितम और ना इंसाफी को खत्म करना है। यहाँ पे मैं हुकूमत से गुजारिश करना चाहूंगी कि देखिये, जिस तरह से नया यहाँ पे जूनियर आता है तो क्या आप लोग उसके लिए जो है कुछ नहीं कर सकते? अगर आप डॉक्टर्स को पे कर सकते हैं, उनके हाउस जॉब में पे कर सकते हैं, तो लॉयर्स तो हम वो शोभा है कि जो लोगों को इंसाफ दिलवाता है, जो रूह के लिए जो बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप यहाँ पे जो है उसमें कुछ ना कुछ इंटर्नशिप शुरू कर दें, कुछ पे ऐसा करना शुरू करें, तो आई थिंक सो ये मुल्क को डॉक्टर से ज्यादा पे कर सकता है ये प्रोफेशन। इसलिए इंशाल्लाह हम इस सिलसिले में जो है मिलकर इकदाम करेंगे और हुकूमत के साथ हम जाकर अपने नुमाइंदों को लेके जाकर हम बात करेंगे। और मैं कहूंगी लीला, प्लीज आए, कदम बढ़ाकर साथ चल। थैंक यू।